डॉक्टर निसार अहमद रीडर शोब कॉमर्स फासिलती निज़ाम तलीम मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से तमाम बी काम फाइनल ईयर के तलबा और तलिबात को आज के मौजू के लिए खैर मकदम करता हूँ आज का मौजू है तख्ता लागत लागत यानी किसी शय के पैदावार पर बर्दाश्त किए जाने वाले पैदावार मसारफ को लागत कहते हैं फर्ज करो आपको टेबल बनाने के लिए दिया गया है आप टेबल बना रहे हैं टेबल के लिए जो जो चीज़ लकड़ी वगैरह जो ज़रूरत होती है या पॉलिश वगैरह उन तमाम चीज़ों को आप लेके टेबल बनाते हैं जब टेबल बन जाता है तो आप जोड़ लेते हैं लकड़ी के लिए कितना खर्च हुआ उसके गम के लिए कितना खर्च हुआ उसको जो कील लगी है उसको कितना खर्च हुआ और पॉलिश के लिए तो इन चारों चीज़ों को अगर जोड़ लेंगे तो आप जब टोटल कर लेते हैं उस कुल लागत को लागत कहते हैं उसमें खामाल होता है इजरत होती है ईंधन होता है बिजली होती है इंतज़ामिया का खर्च होता है फ़रोख्त और तकसीमी लागतों खर्च वगैरह भी आ जाता है इसको जोड़कर हम उसको सेलिंग प्राइस वगैरह बाद में जोड़ लेते हैं लागत में कुल नफा या नुकसान नहीं होता सिर्फ़ बनाने में लगने वाले ख़र्च को लागत कहते हैं अब थोड़ा आगे चलेंगे लागत कारी किसको कहते हैं लागत कह रही यानी पैदावार के मुख्तलिफ महकमाओं से लागत मालूम करने के तरीक़ार को लागत कारी कहते हैं मसलन ये हुआ कि इंडस्ट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ में कारखाने में बहुत से ऐसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं महकमे होते हैं इस महकमों में हर महकमों में कुछ ना कुछ लागत कुछ ना कुछ खर्च होता है मुसारिफ होते हैं मसलन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट इन तमाम महकमों में या शुभों में जितनी जितनी लागत मशारफ हुए हैं इन तमाम को जोड़ के जोड़ने के तरीक़े को लागतकारी कहते हैं बेहतर मुनाफा और पैदावारी लागतों पर कंट्रोल के लिए लागतकारी के असूलों को साइंसी नुक्ते नज़र से अमल में लाने को लागत अकाउंटिंग कहते हैं जो फैसले साजी में अहम किरदार अदा करते हैं उसको ऐसा आई सी एम ए लंडन ने ऐसा डिफाइन किया है कास्ट अकाउंटिंग मीनस अप्लिकेशन ऑफ कास्टिंग एंड कास्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैथड्स एंड टेक्निक्स टू साइंस आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कास्ट कंट्रोल एंड अंसरटेमेंट ऑफ प्रॉफिटबिलिटी हमने अब देखा कास्ट किसको कहते हैं कास्टिंग किसको कहते हैं कास्ट अकाउंटिंग किसको कहते हैं अब कास्ट के मतलब लागत के अनासर पे थोड़ा रोशनी डालेंगे एलिमेंट्स ऑफ कास्ट जिसको हम कहते हैं कास्ट कुल तीन हिस्सों में बांटा जाता है एक है माल दूसरा मजदूरी तीसरा मुशारफ माल यानी मटेरियल जो फैक्ट्री में चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम मटेरियल या माल कहते हैं इस मटेरियल को या माल को फिर से हम दो हिस्सों में तकसीम किया जाते तकसीम करते हैं एक बिलवास्ता माल एक रास्त माल बिलवास्ता माल हम बाद में देखेंगे पहले रास्त माल क्या है वो देखेंगे रास्त माल यानी किसी चीज़ को बनाने में लगने वाले कुल माल को या कुल मटेरियल को हम रास्त माल कहते हैं तो मतलब हमको शायद ये बात समझ में नहीं आई होगी तो इसका मतलब ये है आप फर्ज करो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आप कपड़ा बना रहे हैं जब कपड़ा बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको माल की ज़रूरत है रॉ मटेरियल की ज़रूरत है यानी कपास आप यूज़ करते हैं कपास के मदद से हम कपड़ा बनाते हैं जब कपड़ा बन रहा है कपास ले कपास के मदद से तो इस दौरान थोड़ा सा केमिकल या किसी और दवा वगैरह या थोड़ा सा कलर जो यूज़ करते हैं इसको हम बिलवास्था माल कहते हैं क्योंकि रास्त माल कॉटन के कीमत के बराबर में बिलवास्ता माल की कीमत बिल्कुल ना के बराबर होती है थोड़ा सा कलर आप डाल दो आपका पूरा कपड़ा रंगीला हो जाता है इसलिए इस कलर के कीमत रास्त माल की कीमत के, के मुकाबले में न के बराबर होने की वजह से उसको इनडायरेक्ट मटीरियल या बिलवास्ता मटीरियल कहते हैं अब मजदूरी मजदूरी का भी यही मसला है मजदूरी भी दो हिस्सों में बाँटा जाता है एक रास्त मजदूर दूसरा बिलवास्ता मजदूर रास्त मजदूर यानी जब मजदूर अपने काम के लिए रोज़ हर रोज आता है लगातार काम करता है वो किसी एक ही शोबे में काम करता है जैसा कि मैंने बताया आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह जब कोई एम्प्लॉई या कोई क्लर्क किसी एक डिपार्टमेंट में या शोबे में लगातार लगातार हर दिन काम करता है उसको हम रास्त मजदूर कहते हैं क्योंकि वो पूरी अपनी एनर्जी पूरी अपनी कोशिश उसी शोबे के लिए करता है इसलिए उसको डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एम्प्लॉ कहते हैं या रास्त मजदूर कहते हैं बिलवास्ता मजदूर यानी वो भी हर दिन आता है वो भी रेगुलर काम करता है हर दिन काम करता है रोज़ आता है तो फिर भी उसको बिलवास्ता इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं क्यों क्योंकि वो जो जो अपनी सर्विस करता है सर्विस देता है उसको वो सर्विस किसी एक शोबे को शोबे तक ही तय नहीं रहती वो हर शोबे को देता है फॉर एग्ज़ाम्पल पी वन है पी वन हर डिपार्टमेंट में चाय ला के देता है हर डिपार्टमेंट की खिदमत करता है हर डिपार्टमेंट के फाइलों को लेके जाता है ले आता है और सुपरवाइज़र है फैक्ट्री में जो सुपरवाइज़ करता है हर डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़ करता है पर्सनल डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़ करता है तो इसीलिए उस सुपरवाइज़र की उस सुपरवाइज़र को हम किसी एक शोबे में उसकी तनख्वाह जमा नहीं कर सकते ऐसे लोगों को हम बिलवास्ता मजदूर कहते हैं और मसलन और एक मिसाल मैं दे दूँगा दे दूँगा आपको फैक्ट्री गेटमैन है स्टोर कीपर है जो पंचिंग मशीन जो मॉनिटर करता है एंट्रेंस में वो है और जो और मजदूर हैं जो किसी एक शोबे में काम नहीं करते उसको हम बिलवास्ता मजदूर कहते हैं और तीसरा जो अनासिर है लागत का एक्सपेंसेस, मसारिफ, मसारिफ को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं एक है रास्त मसारिफ, दूसरा है बिलवास्ता मसारिफ, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है किसी एक शोबे को या किसी एक काम के लिए ही उसको तय किया जाता है वो सिर्फ़ उसी काम के लिए खर्च किया जाता है तो ऐसे मसारिफ को हम डायरेक्ट या रास्त मसारिफ कहते हैं मसलन इम्पोर्ट ड्यूटी है एक्साइज ड्यूटी है और मोल्डिंग मशीन मोल्ड करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसको भी हम रास्त मसारिफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिया जाता है और बिलवास्ता मसारिफ़ जिसके जैसा कि इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कहते हैं इसको हम अगर देखेंगे तो ये किसी एक शो, शोबे में या किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए नहीं रहते फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्टाइजमेंट है इंश्योरेंस है टैक्स है, है और ये ये, ये जो चीज़ें हैं ये ये इनडायरेक्ट या बिलवासता होते हैं इसको हम बिलवास्ता मसारिफ कहते हैं चलिए ये तो देख लिया हमने लागत के अनासर देख लिया लागत को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया मटेरियल माल मजदूरी मसारफ और इस एक एक माल एक एक अनासर को फिर दो हिस्सों में बाँटा गया एक डायरेक्ट मैं इसलिए इसको ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आप जानिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बहुत बड़ा म, मकसद होता है बहुत जा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनडायरेक्ट पूरों को अगर जोड़ लेंगे इनडायरेक्ट माल इनडायरेक्ट मजदूरी इनडायरेक्ट मसारिफ इन तीनों को अगर जोड़ेंगे वो वो होगा ओवरहेड, ओवरहेड यानी एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अब चलिए थोड़ा आगे चलेंगे इस ओवरहेड को भी तीन हिस्सों में बाँटा जाता है एक है फैक्ट्री ओवरहेड दूसरा है ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स तीसरा है फरोख्त और तकसीमी ओवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड जो फैक्ट्री में रिलेटेड जो काम होते हैं मसलन उससे वर्क मैनेजर सैलरी तनख्वाह होती है और प्ला, प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफ्रीशन होती है और वो उसके वो उस फैक्ट्री में लगने वाला इलेक्ट्रिसिटी होता है उस फैक्ट्री में लगने वाला हाउलेज कंज्यूमेबल स्टोर्स वगैरह होता है इन तमाम को अगर जोड़ेंगे तो वो सब मसारिफ़ फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफ़िस के रिलेटेड चंद चीज़ें होते हैं टेलीफोन बिल होती है एडिट फ़ी होती है लीगल फ़ी होती है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होती है और ऑफिस क्लर्क होता है ऑफ़िस मैनेजर सैलरी होती है तनख्वाह होती है इन तमाम चीज़ों को ऑफिस ओवर हेड में जोड़ लेते हैं अब फरोख्त और तकसीमी मसारिफ ओवर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कहते हैं जो चीज़ों को फरोख्त करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह को भेजने के लिए होने वाले खर्च को इस ओ में जोड़ लिया जाता है मसलन डिस्काउंट है सेल्स मैनेजर की तनख्वाह है और सेल्समैन की कमीशन है और गिफ्ट वगैरह दिया जाता है कस्टमर को एक प्रोडक्ट लेंगे तो दो एक फ्री तो ऐसे सब चीज़ों को कैरेज आउटवर्ड है जो चीज़ों को बाहर देने में ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको खर्च किया जाता है इन तमाम चीज़ों को इस फरोख्त और तकसीमी ओवर हेड में जोड़ लिया जाता है तो हमने देखा अभी ओवर हेड देखा एलिमेंट्स ऑफ कास्ट जो आ, लागत के अनासर को देखा इन चीज़ों को मद्देनज़र नज़र रखते हुए हमको अब कास्ट अकाउंटिंग पे जाना पड़ता है मतलब तख्ता लागत कैसे तैयार किया जाता है उसको देखना पड़ता है इससे पहले कि मैं तख्ता लागत पे आपको ले चलूं सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि तख्ता लागत की ज़रूरत क्या थी तख्ता लागत करने की क्या ज़रूरत थी उसको क्यों बनाया गया जैसा कि हमने जानते हैं इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्री में कारखानों में जब हम कास्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहेंगे कि हमारा सालाना जितना भी खर्च हो गया उसको आप अकाउंटिंग में बनाएंगे तो हमारा जितना नफ़ा होता है उसको बताइए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट बनाएगा इससे हमें एक बात बिल्कुल हमारे सामने नहीं आती कि किस चीज़ से कितना नफा हुआ किस चीज़ से कितना नुकसान हुआ मसलन देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो टेबल मैं दिखा रहा हूँ इसमें देखिए माल है अठारह हज़ार का तनख्वाह है पंद्रह हज़ार मैनुफैक्चरिंग वग़ैरह है तीन हज़ार तो इससे अगर दाएं लेफ्ट साइड राइट साइड में देखेंगे तो सेल्स आ रहा है तो इसको अगर इन तनख्वाह इन मसारिफ़ को अगर घटा लेंगे तो चौबीस हज़ार आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप राइट right साइड ले लेंगे तो सेल सैलरी तनख्वाह होती है सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह निकालेंगे ये मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुल नेट प्रॉफ़िट हो गया दस हज़ार सो so, इस दस हज़ार प्रॉफिट में हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये दस हज़ार प्रॉफिट किस प्रोडक्ट से या किस चीज़ से हो रहा है मसलन आप गौर कीजिए आप ये सोचिए कि अपने फैक्ट्री में तीन या चार प्रोडक्ट बना रहे हैं आप एक अंदाज़ा लगाइए आप बिल्डर हैं मुमरा में घर बांध रहे हैं पनवेल में घर बांध रहे हैं एक ब्रिज बांध रहे हैं और चांदनी चौक में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांध रहे हैं अगर आपको ये बिल्डर का बिल्डर का जो भी खर्च हो रहा है ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट को देंगे तो वो पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालेगा और बैलेंस शीट निकालेगा इससे ये बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा मुमरा वाले बिल्डिंग से कितना प्रॉफिट हुआ पनवेल वाले ब्रिज से कितना प्रॉफिट हुआ और चांदनी चौक वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कितना प्रॉफिट हुआ तो इसी इस हकीकत को जानने के लिए कास्ट अकाउंटिंग को लाया जाता है क्योंकि कास्ट अकाउंटिंग मतलब तख्ता लागत तख्ता लागत की वजह से कास्ट अकाउंटेंट ये कर पाएगा कि पनवेल वाले बिल्डिंग के लिए अलग से एक शीट बनाएगा ऐसे एक शीट लेगा इस शीट में पनवेल वाले बिल्डिंग में जितना भी खर्च पनवेल वाले ब्रिज के लिए जितना भी खर्च हो रहा है उसको इसमें जोड़ लेगा और आखिर में उसको टोटल करके बताएगा कि इतना आपका खर्च हुआ है इतना आपका सेलिंग प्राइस आपको जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतनी मिली थी तो इतना नफा हुआ है इसीलिए लिए मुमरा वाले बिल्डिंग को भी एक अलग से ऐसी शीट बनाएगा अलग से खाता बनाएगा उस खाते में ये जोड़ लेगा कि मुमरा वाले बिल्डिंग में कितना खर्च हुआ और उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी थी और डिफरेंस कितना आया इतना प्रॉफिट होगा इसी इसलिए इससे आप आपको ये पता चलेगा कि पनवेल वाले बिल्डिंग से कितना प्रॉफिट हुआ मुमरों वाले बिल्डिंग से कितना नुकसान हुआ और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो चांदनी चौक में बन रहा है उससे कितना नफ़ा हुआ और आप मैनेजमेंट इंतज़ामिया ने इसको तय कर पाती डिसाइड कर पाती कि आने वाले दिनों में हम किस तरीके का, का काम करें किस तरीके का प्रोडक्ट तैयार करें क्योंकि इस प्रोडक्ट में हमको लॉस हो रहा है तो अब मैं और इसको और मज़ीद डिटेल में आपको बताऊँगा फ़र्ज़ कीजिए कास्ट अकाउंटेंट को वही फैक्ट्री वही चीज़ें आपको दे देंगे तो वो हर तीन हर प्रोडक्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट देगा देखिए इधर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी तीन प्रोडक्ट जा रहे हैं टोटल खर्च मटीरियल माल के हिसाब से अठारह हज़ार हो रहा है पिछले अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पी एंड एल अकाउंटिंग अगर देखेंगे तो उसमें भी अठारह हज़ार ही मटीरियल को जा रहा है तो वेजेस के लिए Uh, पंद्रह हज़ार जा रहा है यहाँ भी पंद्रह हज़ार जा रहा है मतलब टोटल ख़र्चा आपका वही हो रहा है और इससे आपको ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट ए ने कितना प्रॉफिट किया प्रोडक्ट बी लॉस पे जा रहा है और प्रोडक्ट सी थोड़ा प्रॉफिट कर रहा है प्रोडक्ट ए के मुताबले मुकाबले में प्रोडक्ट सी का प्रॉफिट बिल्कुल कम है और आपका कुल प्रॉफिट होगा इधर भी दस हज़ार सेम वही अकाउंट जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने बना रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पी एंड एल बना रहा था उसमें भी आपको दस हज़ार नफ़ा दिखा रहा है और कास्ट अकाउंटेंट जो बना रहे हैं उस पर भी आपको दस हज़ार रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है सिर्फ फ़र्क ये आपको पता चल रहा है आपको इसमें ये इल्म मिल रहा है कि इसमें तीन प्रोडक्ट हमारे थे तीन प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ए प्रॉफिट में है प्रोडक्ट बी लॉस में है प्रोडक्ट सी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहा है तो इससे आप तय कर पाते हैं इंतज़ामिया डिसाइड कर पाते हैं कि हम प्रोडक्ट बी को क्लोज कर दें क्योंकि वो लॉस में चल रहा है प्रोडक्ट बी को इनक्रेज करें क्योंकि वो प्रॉफिट बहुत से प्रॉफ़िट में चल रहा है और प्रोडक्ट सी को भी हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं पर भी वो प्रॉफिट में है थोड़े दिन के लिए एक से दो साल के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं कुल में मैनेजमेंट को इंतज़ामिया को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इसको कंटिन्यू किया जाए या बंद किया जाए या चालू किया जाए ये फायदा सिर्फ कास्ट अकाउंटेंट में है फाइनेंशियल अकाउंटेंट में अकाउंटिंग में नहीं है इसलिए कास्ट अकाउंटेंट के बहुत से फ़ायदे हैं जो उन्नीस में जर्मन में जब ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उस रेवोल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्रीज़ में जो बद बदलाव आया जो इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ हो गए तो इसके इसके बाद एक कास्ट अकाउंटिंग वजूद में आया कास्ट अकाउंटिंग के मदद से हर कोई अपने एक एक चीज़ का हिसाब रख के एक एक चीज़ के पीछे कितना प्रॉफिट हो गया उसको हम बता पाते हैं मसलन आप ब्रिक्स तैयार कर रहे हैं आप टोटल खर्च आपका एक लाख रुपए आ गया है आप एक लाख ब्रिक्स तैयार हो गए हैं तो आप एक लाख को एक लाख से आपको तकसीम कर देंगे तो एक ब्रिक, ब्रिक्स आपको एक रुपया पड़ जाती है उसके ऊपर आप प्रॉफिट जोड़ लीजिए जो भी आपको जोड़ना है मार्केट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट के डिमांड के हिसाब से आप मार्जिन परसेंटेज ऑफ मार्जिन जोड़ के आप मार्केट में उसको सेलिंग प्राइस सेल्स सेल कर सकते हैं तो ये हमको यहीं मिलता कहाँ पर कास्ट अकाउंट में अकाउंटिंग में ही ये मजीद मालूम हमको मिलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं मिलते आइए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं स्पेसिमन ऑफ तख्ता लागत के पर तख्ता लागत के ऊपर टोटल कॉस्ट का एक कॉलम है और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम है और डायरेक्ट मटेरियल है जो बलवास्त या रास्त मटेरियल के बारे में यहां देखिए ओपनिंग स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक इसलिए होता है गुजस्ता साल जो आखिर में जो मटेरियल बचता है वही मटेरियल, वही माल आने वाले पहले दिन के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है मसलन 31 दिसंबर 31 दिसंबर को जो माल बचता है वो पहली जनवरी को ओपनिंग स्टॉक हो जाता है और ओपनिंग स्टॉक के बाद जब हम उस साल जो कुछ भी परचेज करते हैं फर्ज करो ओपनिंग स्टॉक एक लाख रुपये था उस साल हमने परचेज किया दो लाख का कुल हमारा उस साल का स्टॉक हो गया तीन लाख का उसमें जो थर्ड इकतीस थर, थर, दिसंबर को जो पचास हज़ार रुपये का माल आपको फिर बच गया तो उस साल आपने कितना माल यूटिलाइज़ किया या यूज़ किया दो, हल, दो हजार दो लाख पचास हज़ार आपने समझा होगा उसको हम मटेरियल कंज्यूम कहते हैं जो मटेरियल हमने यूज़ किया अब मटेरियल कंज्यूम के बाद आपकी वेजेस होते हैं तनख्वाहें होती हैं उसको डायरेक्ट वो भी रास्त तनख्वाहें वगैरह जोड़ लेते हैं और रास्त एक्सपेंसेस को भी हम उसमें जोड़ लेते हैं तो उससे आपको प्राइम कॉस्ट आ जाता है उसको कहते हैं एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस तमाम रास्त मसारिफ के कुल टोटल को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं प्राइम कॉस्ट मतलब ये हो गया पूरे रास्त जो अखराज थे रास्त जो मसारुफ थे वो इसमें आ जाते हैं अब रास्त मसारुफ पूरे आ गए तो अब बचा को बचा आपको बलवास्त्र बलवास्त्र ये दस्वन बलवास्त माल वगैरह बलवास्त मजदूरी बलवास्त मशारफ़ वगैरह तो इस बलवास्त को जब हमने पहले ही देख चुका है उसको हम ओवरहेड कहते हैं ओवरहेड को भी तीन हिस्सों में जैसा कि हमने पहले ही बताया आ, फैक्ट्री ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वगैरह अब फैक्ट्री ऑरड को अगर जोड़ लेंगे फैक्ट्री ऑनड में जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैनेजर्स वर्क मैनेजर की तनख्वाह होती है और उस फैक्ट्री में लगने वाले इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होता है उसका डिप्रिशिएशन होता है बिल्डिंग का हो या मशीन का मशीन का तो इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़ लेंगे तो इसमें आपके पास जो स्क्रैप बच जाता है उस प्रोसेस में उस स्क्रैप को उस अमली में जो आ, स्क्रैप बच जाता है उस स्क्रैप को जो आप फरोख्त करते हैं या सेल करते हैं उसको इसमें घटा दिया जाता है क्योंकि वो आपके लिए खर्च नहीं है आपके लिए वो इनकम है उस इनकम को जोड़ने के बाद उसके बाद और भी हमने जोड़ना जोड़ा जाता है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये है आपने चीज़ों को तैयार कर रहे थे अपनी चीज़ें बन रहे थे उस तो आपको इकतीस दिसंबर आ गया है आपका अकाउंट क्लोज करना है तो उसको आप उसको क्लोज कर लेते हैं तो क्लोज़ इसलिए करते हैं कि वो अभी प्रोसेस में है कंप्लीट नहीं हुए, अभी बने नहीं है तो इसीलिए उसको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बोल के आप उसको पिछले साल में क्लोज कर लेते हैं वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पहली जनवरी को ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है पहली जनवरी को जब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है उसके पीछे थोड़ा पैसा लग चुका है और उसको मुकम्मिल करने के लिए और भी थोड़े मसारफ करना है तो इसलिए उसको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में ला के उस साल में उसको और थोड़ा उसको खर्च करके उसको मुकम्मल कंप्लीट कर देते हैं तो इसलिए उसको वर्क कास्ट से पहले उसको जोड़ लिया जाता है और उसके दौरान जो फिर से आपको 31 दिसंबर आ जाता है जब 31 दिसंबर आ जाने के बाद जो चीज़ें आपके बन रहे थे जो रास्ते में थे अभी मुकम्मल नहीं हुए थे उन चीज़ों को आप फिर से उसको क्लोज कर करना पड़ता है और वही चीज़ें जो आज इस साल आप क्लोज कर रहे हैं आने आने वाले साल में वो फिर से ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाते हैं इसको इसीलिए वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है क्योंकि काम मतलब काम प्रोसेस में है इसको कंप्लीट करने के लिए और थोड़े ख़र्च की ज़रूरत है और थोड़े मसारिफ की ज़रूरत है इसीलिए उसको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस करके उसको जिसमें इसका तख्ता लागत में जोड़ कर कास्ट अकाउंटिंग कास्ट वर्क कास्ट निकाला जाता है वर्क कास्ट का मतलब ये हुआ अब ऊपर आपने प्राइम कास्ट देख लिया प्राइम कास्ट जो तमाम मसारफ रास्त मसारिफ को जोड़ने के बाद आपको प्राइम कॉस्ट आ जाता है प्राइम कास्ट में अगर फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी आ, मसारिफ होते हैं उसको अगर जोड़ लेंगे तो वर्क कास्ट आ जाता है वर्क कास्ट के बाद तो दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस ओवरहेड है उसको जोड़ा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड में मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैनेजर्स जो ऑफिस सुपरवाइजर सैलरी ऑफिस स्टाफ की सैलरी होती है तनख्वाह होती है ऑफ़िस मैनेजर की तनख्वाह होती है ऑफ़िस में जो काम करते हैं उनकी तनख्वाह होती है प्रिंटिंग स्टेशनरी होता है जो ऑफ़िस के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेलीफोन बिल होती है जो ऑफ़िस में इस्तेमाल किया जाता है और प्रिंटिंग और दूसरी चीज़ें जो एडिट फी होती है लीगल फ़ी होती है इन तमाम चीज़ों का अगर जोड़ लेंगे तो आपको उस चीज़ बनाने का कुल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो चीज़ बनाने के लिए आप जो 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 मसारिफ आपने कर दिया है उसका टोटल मिलता है कास्ट ऑफ प्रॉफिट सॉरी माफ कीजिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर से आपको एड ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इसको हम कुछ नहीं करना है ये फिनिश्ड गुड्स है चीज़ें तैयार हैं बाज़ार में बेचने के लिए लेकिन बाज़ार में हम बेच रहे थे उस दौरान आपका इकतीस दिसंबर आ गया है उसको हम क्लोज करना है अकाउंटिंग बनाना है फर्ज करो हमारे 100 यूनिट अभी बच चुके थे 100 मोटरसाइकिल हमारे बच चुके थे तो उसको हम क्लोज करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में हम डाल देते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल में जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो गया वो इस साल में पहली जनवरी में वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो जाता है उस साल में जब हम चीज़ों को फरोख्त करते हैं फिर से आपको थर्टी फर्स्ट दिसंबर इकतीस दिसंबर आ जाता है फिर से जब चीज़ें पचास चीज़ें या कई चीज़ें बच जाते हैं तो उसको फिर से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है ये फिनिश्ड गुड्स है यहाँ किसी मसारिफ की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपको इसको फिर से फरोख्त करना है इसीलिए आप इसको फिनिश्ड गुड्स कहते हैं इसको क, इसको कोई मशारफ़ की क, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद आपको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता है सो कास्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरड फरोख्त या तकसीम करने के जो अक, आ, मसारिफ होते हैं वो इसमें जोड़ना पड़ता है मसलन कैरेज आउटवर्ड होता है जो चीज़ें बाहर भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसका खर्च होता है सेल आ, सेल्स मैनेजर्स का कमीशन होता है सेल्स मैनेजर की तनख्वाह होती है सेल्समैन की तनख्वाह होती है डिस्काउंट होता है और कई वो बोनस वगैरह होते हैं इन तमाम चीज़ें जो फरोख्त करने या तकसीम करने के हिस्से में जो आते हैं उनको इधर जोड़ कर जब हम फिर से टोटल कर लेते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ़ सेल्स होता है कॉस्ट ऑफ़ सेल्स यानी यहाँ लागत का फरोख्त करने की लागत आप यहाँ चीज़ें इस दाम को फरोख्त कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर फिर आपको थोड़ा मुनाफा अगर चाहिए तो आप इसको जमा करना पड़ता है आप मुनाफ़ा अगर जोड़ लेंगे तो फिर आपको वो सेल्स में आ जाता है टोटल फ़रोख्त में आ जाता है फरोख्त और आ, लागत फरोख्त करने की लागत का जो दरमियान में जो चीज़ होती है दरमियान में जो अमाउंट होती है जो लागत होती है जो अमाउंट होती है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं अजीज तलबा और तालिबात अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए आदाब